कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी को पटना हाईकोर्ट से एक बड़ी राहत मिली है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर वो कानून कौन सा है जिसके तहत कांग्रेस नेता को राहत मिली? तो ये कानून डबल जियोपार्डी है। इसके तहत ही राहुल गांधी को पटना हाईकोर्ट से एक बड़ी राहत मिली है। इसने सेवियर का काम किया है। और आखिर राहुल गांधी के वकील ने कोर्ट के अंदर आखिर कौन सी दलीलें इस कानून के अंदर में दी है, हम आपको बताते हैं। मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी को पटना हाईकोर्ट से अंतरिम राहत मिली है। पटना के एमपी एमएलए कोर्ट में चल रही न्यायिक प्रक्रिया पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। अब राहुल गांधी 25 अप्रैल को पटना की निचली अदालत में पेश नहीं होंगे। हाईकोर्ट ने 15 मई को सुनवाई की अगली तारीख तय की है और इस तारीख तक निचली अदालत की प्रक्रिया पर भी रोक रहेगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से मोदी सरनेम वाले मानहानि मामले में 21 अप्रैल को पटना हाईकोर्ट में एक हलफनामा दायर किया गया। इसमें कहा गया कि पटना की अदालत में राज्यसभा सांसद सुशील मोदी की ओर से राहुल के खिलाफ किया गया मानहानि का मुकदमा डबल जियोपार्डी डॉक्ट्रिन से प्रभावित है। गौरतलब है कि सुशील मोदी ने 2019 में राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का केस किया था। राहुल गांधी की ओर से इस केस को खारिज करने की याचिका दाखिल की गई थी। उसी याचिका में सप्लीमेंट्री एफिडेविट दाखिल किया गया है। ये घटना ऐसे समय सामने आई है जब हाल ही में पटना कोर्ट ने राहुल गांधी को सीआरपीसी की धारा 313 के तहत उनका बयान दर्ज कराने के लिए 25 अप्रैल को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया था। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सदस्य आशीष कुमार ने राहुल गांधी की ओर से हलफनामा दायर किया है। इस हलफनामे में तर्क दिया गया है कि राहुल गांधी को उसी टिप्पणी के लिए सूरत की अदालत की ओर से पहले ही दोषी ठहराया जा चुका है, जो पटना कोर्ट में सुशील मोदी की ओर से दायर मानहानि शिकायत के केंद्र में है। हलफनामे में आगे कहा गया है कि अप्रैल 2019 में कोलार में एक चुनावी अभियान के दौरान जब सभी चोर मोदी सरनेम साझा क्यों करते हैं कथित बयान दिया गया था, राहुल गांधी पर मुकदमा चला और सूरत कोर्ट ने उन्हें दोषी ठहराया। इसीलिए पटना कोर्ट के समक्ष लंबित मामला दोहरे दंड के सिद्धांत से प्रभावित होगा, जैसा कि सीआरपीसी की धारा 300 और भारत के संविधान के अनुच्छेद 22 के तहत प्रावधान है। बात डबल जियोपार्डी की हो रही है तो आइए आपको बताते हैं कि डबल जियोपार्डी के लिए क्या कहता है संविधान का अनुच्छेद और सीआरपीसी की धारा। संविधान के अनुच्छेद 22 में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति पर एक ही अपराध के लिए एक से ज्यादा बार मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है और दंडित नहीं किया जा सकता है। वहीं सीआरपीसी की धारा 301 सिर्फ एक ही अपराध के लिए बल्कि एक ही तथ्य पर किसी भी अन्य अपराध के लिए किसी व्यक्ति के मुकदमे पर रोक लगाती है। हलफनामे में कहा गया है कि दोनों मामलों में फर्क सिर्फ इतना है कि शिकायतकर्ता अलग अलग हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।